subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. से दिल्ली का कोई आदमी या देश का कोई आदमी पिज्जा ऑर्डर कर सकता है और उसके घर पे पिज्जा डिलीवर हो जाता है, फ्रिज डिलीवर कर सकता है, कपड़े डिलीवर कर सकता है, कपड़े ऑर्डर कर सकता है, खाने का कोई सामान ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी का पीडीएस का राशन भी उसके घर पे पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी और इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने, कैसे केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई इस पे अधिकार नहीं था, क्योंकि राशन कैसे बांटा जाएगा, राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार, राज्य सरकार तय करती है। कल भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, उसमें मोटे तौर पे दो बातें लिखी हैं। एक तो वो चिट्ठी है, उसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखवाई है कल दिल्ली सरकार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने लिखवाया है कि आपका गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। हमने तो प्रपोजल भेजा ही नहीं था, ये तो राज्य सरकार के अधिकार है कि वो कैसे बांटेगी। वो तो आपने अखबारों में खबर पढ़ के ये चिंता व्यक्त की थी, भाई इसका नाम मुख्यमंत्री योजना मत रखो, हमने बता दिया था आपको कि मुख्यमंत्री योजना नहीं रख रहे, फिर आपने कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये चिट्ठी लिखी है इसमें, कि गरीबों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखवाई है कि गरीब लोगों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। भले ही पिज्जा पहुंच जाता हो, भले ही अमेजन फ्लिपकार्ट कुछ भी सामान लोगों के घर पहुंचा देते हों, लेकिन गरीब लोगों का घर का उनका राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बहाने दिए हैं कि गरीब लोगों का राशन उनके घर नहीं पहुंचाया जा सकता, उसमें मोटे तौर पे 5-6 चीजें उन्होंने लिखवाई हैं। उसमें लिखा है कि भाई आपने ये नहीं बताया साहब इसका प्राइस क्या होगा। अरे आप हमसे पूछ लेते प्राइस क्या होगा, हम बता देते, आपने तो बिना पूछे ही कह दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्रपोजल रिजेक्टेड। हम अब बता देते हैं कि साहब जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा नहीं होगा, हमारी योजना में लिखा है, लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं, कोई प्रपोजल था नहीं, आपने हमसे पूछा नहीं, आपने वैसी चिट्ठी लिखवा दी कि जी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा बहाना, तो बहाना नंबर एक प्राइस क्या हो, प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर दो कि जिसके घर राशन जाता है पता कैसे चलेगा उसका पता ठीक है, कैसे इंश्योर करोगे उसका पता ठीक है। प्रधानमंत्री जी का बहाना नंबर तीन कि ये जो गरीब लोग हैं ये तो पतली पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं, वहां पर राशन कैसे पहुंचाओगे। प्रधानमंत्री जी का गरीब लोगों के घर राशन ना पहुंचाने का बहाना नंबर चार कि ये गरीब लोग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में राशन कैसे पहुंचेगा, कोई आदमी थर्ड फ्लोर पर रहता होगा वहां राशन कैसे पहुंचेगा, कोई सेकंड फ्लोर पर रहता होगा, कोई फोर्थ फ्लोर पर रहता होगा वहां राशन कैसे पहुंचेगा, ये बहाना नंबर चार। अगला बहाना है कि अगर किसी आदमी ने एड्रेस चेंज कर लिया तो उसके घर राशन कैसे पहुंचेगा। इससे भी और ज्यादा फनी बहाने हैं। एक बहाना है कि अगर राशन वाली गाड़ी खराब हो गई तो राशन कैसे पहुंचेगा। एक और बहाना है कि अगर रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई तो राशन कैसे पहुंचेगा, इसलिए राशन का प्रपोजल रिजेक्टेड। मैं कई बार सोचता हूं, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर, कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे। वो थर्ड फ्लोर पर रहता है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस सकती है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, ये लोग पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं इसलिए उनके घर राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, पता चेंज कर लेंगे कैसे राशन पहुंचेगा, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए घर में नहीं दे सकते। उस गली में जिसमें वहां रहने वाले आदमी को पिज्जा पहुंच सकता है, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप हर वक्त इतने झगड़ालू मूड में क्यों रहते हैं।
देश में पहली बार इतना झगड़ने वाला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल के इतिहास में, जो सुबह शाम राज्यों से झगड़ने में लगा रहता है, किसी से भी झगड़ने में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जी, आप झगड़ालू प्रधानमंत्री हैं क्यों? आप कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से लड़ रहे होते हैं, और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी आप उनके, आपको कुछ नहीं मिलता तो उनके चीफ सेक्रेटरी से लड़ने लगते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से आप झगड़ लेते हैं, ट्विटर से आप झगड़ लेते हैं, फेसबुक से आप झगड़ लेते हैं, महाराष्ट्र के सीएम से आप झगड़ लेते हैं। ये चिट्ठी में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक दिन आप उठे होंगे सुबह सुबह दो दिन पहले, और आपने अपने फूड सेक्रेटरी को कहा होगा, जी फूड सेक्रेटरी साहब आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने लिस्ट देखी होगी आज किससे झगड़ना है, अच्छा आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने फूड सेक्रेटरी साहब को बताया होगा उनसे झगड़ना है, उनकी राशन की वो कैंसिल कर दो। तो फूड सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया तो होगा कि दिल्ली सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है जिसको हम रिजेक्ट कर दें, पर फिर भी आपको तो झगड़ना था। आपने कुछ बहाने ढूंढ लिए कि इस वजह से नहीं झगड़ सकते, इस वजह से राशन नहीं दे सकते गरीब लोगों को, उस तरह से नहीं दे सकते। आपने उनसे चिट्ठी लिखवा दी। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप युवा भारत के प्रधानमंत्री हैं, 21वीं सदी के युवा भारत के प्रधानमंत्री को यह बात शोभा नहीं देती कि जिन घरों में पिज्जा पहुंचाया जा सकता है उन घरों में गरीब लोगों को राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि वो तंग गलियों में रहते हैं। युवा भारत के प्रधानमंत्री को यह बात शोभा नहीं देती। आप सिर्फ झगड़ने के बहाने ढूंढने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, यह आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको नहीं पता कि तीसरी मंजिल पर राशन कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो मैं आपको कहूंगा कि आज हमारे देश के युवा चांद पर राशन पहुंचाने की औकात रखते हैं। आपको नहीं आता तो आप हमसे पूछ लेते भाई कैसे करना चाहते हो, हम बता देते कि इस देश के युवाओं की आज इतनी औकात है कि अगर आप उनको राशन देके कहेंगे चांद पर पहुंचा के आना है, वो चांद पर पहुंचा देंगे। आप कह रहे हो थर्ड फ्लोर पर नहीं पहुंचा पाएंगे युवा, तंग गलियों में ये युवा राशन नहीं पहुंचा पाएंगे गरीब आदमी का, ये पिज्जा दे आएंगे उस गली में, उस गली का आदमी कोई कपड़े मंगाएगा वो दे आएंगे, उस गली का आदमी कोई खाना ऑर्डर करेगा वो दे आएंगे। आप कह रहे हो वो युवा गरीब लोगों का राशन लेके नहीं जा सकता, तीसरी मंजिल पे नहीं जा सकता, उसके तंग गलियों में नहीं जा सकता, उसका ट्रक खराब हो सकता है रास्ते में, उसकी गाड़ी खराब हो सकती है, उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस सकती है, इसलिए उसको नहीं पहुंच सकता। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सोच बड़ी रखिए, आप सोच बड़ी रखिए। 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री हैं आप, आप बड़ी सोच रखिए, दिल बड़ा रखिए, रास्ते तो निकल आएंगे, और हर चीज का रास्ता है, रास्ते पहले से हैं। जो युवा वहां जाके पिज्जा पहुंचा सकता है वो राशन भी लेके जा सकता है, पर आप नियत तो रखिए कि हमें उसको गरीब आदमी को पहुंचाना है। रोज सुबह उठ के अपनी लिस्ट चेक करने से कि आज किससे झगड़ना है, उससे बात नहीं बनेगी। आपके इस झगड़ालू स्वभाव से देश की जनता तंग आ चुकी है। अब जनता चाहती है कि आप देश चलाएं, ये झगड़ना बंद करें, रोज रोज झगड़ना बंद करें, बड़ी सोच रखें, रोज रोज झगड़ना बंद करें, थोड़ा देश चलाने पे काम करें, देश चलाने पे फोकस करें। गरीब का राशन रोकने के आपके बहाने बताते हैं कि ये बहाने आपने केवल और केवल झगड़ने के लिए निकाले, झगड़िए मत। 21वीं सदी के प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो ऐसा सोचे जो अब तक ना किया गया हो, वो भी करने की हिम्मत रखता हो अपने युवाओं के दम पे। बहुत धन्यवाद जी। एक सवाल, सीएम साहब ने जो एलजी साहब को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था कि आपसे जो राय मांगी थी वो स्कीम की फाइनल स्कीम के ऊपर नहीं मांगी थी, केवल एक नोटिफिकेशन के ऊपर मांगी थी। आप कह रहे हैं कि अभी भी जो रिजेक्ट हुई है, जब प्रपोजल भेजा ही नहीं तो रिजेक्ट क्या हो गया? तो आप मतलब क्या सरकार ये कह रही कि स्कीम अभी भी वहीं की वहीं है, और क्या आप लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस तरह का? नहीं, लागू तो उसको करना ही है, लेकिन ये एलजी साहब से रिजेक्ट करा देंगे, फिर इस तरह के बहाने लगा के रिजेक्ट करेंगे, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में झगड़ना हो गया है, हर सिख से झगड़ना चाहते हैं, राशन की स्कीम पर झगड़ना चाहते हैं। क्यों झगड़ना चाहते हैं राशन की स्कीम पर? देश के प्रधानमंत्री को अगर किसी गरीब आदमी के घर राशन पहुंच सकता है, जबकि बाजू वाले के घर पिज्जा पहुंच रहा है उसी में, तो राशन पहुंचने में क्या दिक्कत है? देखिए ये इसको भी समझ लें, क्योंकि पीडीएस में राशन बांटना सरकार, मतलब राज्य सरकारों का काम है, तो हम तो अपने राशन बांटने के तरीके में सुधार कर रहे थे।
इन्होंने कहा भाई ये आप जो सुधार कर रहे हो अखबारों में पढ़ा है हमने, इसमें आप मुख्यमंत्री योजना जोड़ रहे हो, मुख्यमंत्री योजना हटा दो, हमने हटा दिया नाम। अब उसके बाद में एनजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजी थी, इन्होंने रुकवा दिया उसको। देखिए 75 लाख लोगों को 2000 दुकानों से राशन मिलता है और करीब 3.5 करोड़ किलो राशन हर महीने मिलता है नॉर्मल पीरियड में। अभी तो कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा मिल रहा है, नॉर्मल कोर्स में 3.5 करोड़ किलो राशन हर महीने बढ़ता है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दुकानें नहीं खुलती, लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि दुकानों के सामने लाइनें लगी रहती हैं, लोगों की समस्या यह है कि वो कह देता है ऐनी राशन, दुकान भी खुलती है तो वो कम देता है। इस सब समस्या का समाधान हम बता रहे हैं कि भाई इसका समाधान है कि जो आदमी जहां रहता है उसके घर पे पैक्ड पीस के राशन पहुंचा दिया जाए, उसके घर पे पहुंचा दिया जाए, उसको दुकान खुलने का इंतजार ही नहीं करना, उसको इस बात का इंतजार ही नहीं करना कि 3 किलो आया कि 5। राशन वाला कह देता है भाई 5 किलो नहीं आया, इस बार 3 किलो आया है। तो ये सारी बेईमानी रोकने के लिए इन 73 लाख लोगों के लिए ये योजना बनाई है।